छत्तीसगढ़ समेत देश भर में कांग्रेस का चक्का जाम शुरू हो गया है। रायपुर, बिलासपुर समेत कई जिलों में चक्का जाम किया जा रहा है। कृषि कानून के खिलाफ ये चक्का जाम होने जा रहा है। सभी ब्लॉक अध्यक्ष और कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ में भी अब चक्का जाम शुरू हो गया है। 12 से 3 बजे तक इस चक्का जाम की अवधि होनी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं बिलासपुर से उमेश मौर्य का। उमेश, हलचल क्या कुछ आप देख पा रहे हैं वहां पर? 12 से 3 बजे तक चक्का जाम की सूचना हमें मिली थी, तो क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, केंद्र सरकार के 3 कृषि बिल के विरोध में पिछले 2.5 महीने से दिल्ली में जो किसान है वो आंदोलन रहता है, और यही वजह है कि जो पूरे छत्तीसगढ़ में जो किसान संगठन है उन्होंने उनका समर्थन किया, और जो सड़कों में अब ये आंदोलन करने उतर गए हैं, सड़क सत्याग्रह कर रहे हैं। देख सकते हैं कि बिलासपुर के जो किसान संगठन है वो यहाँ पर मौजूद है। नेहरू के चौक के यहाँ पर ये पूरे जो संगठन है वो सड़क सत्याग्रह कर रहे हैं और इसका पूरा समर्थन कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार के 3 कृषि बिल के विरोध में जो पूरे दिल्ली की सीमाओं पे जो किसान मौजूद हैं उनके समर्थन पर आज ये सड़क पर आ गए हैं। उन कुछ किसान नेता हैं, उनसे भी बात करते हैं। किस मांग को लेकर आप लोग समर्थन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों? हमारी मांग है 3 काले कानून नरेंद्र मोदी वापस ले, और जो किसानों के ऊपर दिल्ली में फर्जी केस बनाए हैं उसको वापस ले, और जो निर्दोष किसानों को गिरफ्तार किए हैं उनको तत्काल रिहा करे, और दिल्ली में जो कांड हुआ है वो सब भाजपा और एसएस के आदमी लोग किए हैं, लेकिन किसानों को फंसाया जा रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि सबसे पहले गिरफ्तार किसानों को रिहा करो, तभी बात होगी। कुछ और भी किसान नेता मौजूद है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। ये कब से कब तक आप लोगों का ये प्रदर्शन चलेगा और क्या आगे भी जारी रहेगा अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होगी? आज तो हम 12 से 3 बजे तक कर रहे हैं सारे देश में, और ये आंदोलन लंबा चलेगा। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि 4 तारीख को मोदी जी ने भाषण तो दिया, उसने किसान आंदोलन और देश की जनता को लात मारा। उन्होंने कहा कि अब तक की सरकारें वोट बैंक बजट की सरकारें थी, माने इस सरकार को जनता से मतलब नहीं, मजदूर से, किसान से मतलब नहीं है, इस सरकार को अपने मालिक पूंजीपतियों से मतलब है, उनके लिए बजट बनाया है। तो अब ये लड़ाई लंबी चलेगी, तब तक चलेगी जब तक कि हम इस सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकते। मंत्रिका सुन सकती है कि किस तरीके से विरोध है किसानों का, और ये साफ तौर पर इनका ये कहना है कि जब तक कि इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे, और चाहे जो भी हो मांग जब तक पूरी नहीं होगी, और इसका कहीं ना कहीं असर जो आगामी चुनाव होगा उस पर भी देखने को मिलेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद उमेश इस तमाम बातचीत के लिए। चलिए अब रायपुर से भी रुक कर लेते हैं मोहन तिवारी का। मोहन, 26 जनवरी के आंदोलन का हमने भयानक स्वरूप देखा है, आज किस तरह के स्वरूप की हम आशा कर सकते हैं, किस तरह का प्रदर्शन की संभावना है? देखिए, जिस ढंग से किसान संगठनों ने चक्का जाम का आह्वान किया है उसमें राजनीतिक दलों के समर्थन की वजह से ये जो आंदोलन है वो बड़े रूप में प्रदेशों में देखने को मिल रहा है। खास तौर पर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर जरूर कुछ किसान संगठन कुछ एक जगहों पर चक्का जाम कर विरोध जताना चाह रहे थे, पर उनकी संख्या उतनी बड़ी नहीं है कि वो चक्का जाम कर पाते। लेकिन इस पूरे प्रदर्शन को कांग्रेस ने अपना समर्थन दे दिया, और समर्थन देने के बाद सारी जिला इकाइयों को इस बात के निर्देश दिए गए कि ब्लॉकों के कार्यकर्ताओं के साथ इस चक्का जाम में शामिल हों। उसके बाद स्थिति दूसरी बनी हुई है, और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के कई स्थानों में चक्का जाम जो है वो बड़े रूप में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये चक्का जाम कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। तो कांग्रेस के समर्थन के बाद रायपुर की अगर हम बात करें तो 4 स्थानों पर चक्का जाम अभी 12 बजे से शुरू किया गया है। पुलिस ने भी ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए ही पहले ही निर्देश दे दिए हैं, रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है, तो चक्का जाम जरूर हुआ है, लेकिन रूट डाइवर्ट होने की वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। फिर भी हाईवे होने की वजह से कई जगहों पर जाम की स्थिति है, और जो गाड़ियां हैं उनकी कतारें देखने को मिल रही है। रायपुर में 3 प्रमुख स्थान हैं, टाटी बंध, तेली बांधा और संतोषी नगर चौराहा, यहाँ पर चक्का जाम है।
बहुत बहुत धन्यवाद मोहन इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमने देखा कि किस तरह छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है कृषि कानूनों को लेकर। तो प्रदर्शन की दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन्स पर हैं। बिलासपुर से आप देख सकते हैं किस तरह से प्रदर्शन जारी है और इस प्रदर्शन को भी कई दिग्गजों का समर्थन मिल चुका है। राहुल गांधी ने समर्थन में ट्वीट किया है और दिग्विजय सिंह का भी समर्थन इस प्रदर्शन को मिल गया है।